हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका प्रेस कॉम्प्लेक्स कोटिल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के लेंगे, ठीक है, जो अभी रिसेंटली ही प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। क्लियर? जैसे अगर अपन देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश और उसी अवधि के लिए मतलब एक वर्ष के लिए ही 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य राशि का निवेश कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब आपने एक अमाउंट दिया है 16,000 का, वो 8% पर एक साल के लिए दिया है, और एक कोई अन्य अमाउंट है वो 18% पर एक वर्ष के लिए ही दिया है, और इनका जो कंबाइंड इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, वो टोटल अमाउंट मतलब 16,000 प्लस दूसरा अमाउंट, उसका कितना परसेंट है? 10% है। अगर हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, 16,000 का 8% ब्याज प्लस कोई दूसरा अमाउंट है एक्स, उसका 18% ब्याज, ये जो बन रहा है ये टोटल अमाउंट मतलब 16,000 प्लस एक्स का 10% ब्याज बन। क्लियर? अगर अपन इसको सॉल्व करके देखें तो यहां 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 16 8 128, यहां कितना ब्याज बना हमारा, 1280 रुपए का ब्याज बना। इधर हम देखें तो आप 18 में 100 से भाग देंगे तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट लगाया तो क्या बनेगा, 0.18x बना। ठीक है, फिर यहां पर जब आप 10% निकालेंगे 16,000 का तो कितना बन जाएगा, 1600 प्लस x का 10% निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.10x बन जाएगा। क्लियर? अब अगर अपन इसको सॉल्व करके देख, है ना, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 0.18x को इधर ले आए, 1600 को उधर ले आए, या ऐसा करें कि 0.10x को उधर ले जाएं और 1280 को इधर ले आएं, तो 0.18x में से 0.10x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.08x बराबर में, यहां 1600 में से 1280 घटाओगे तो बचेगा 320। कितना बचा यहां पे, 320। क्लियर? इसे सॉल्व करें तो यहां से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 8 से भाग दिया तो 8 एकम 8, 8 चौ 32, आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4,000 रुपये आई। क्लियर? लेकिन उसने आपसे क्या पूछा था, फाइंड दी टोटल अमाउंट या टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है कि कुल निवेश की गई राशि कितनी है। तो यहां देखें तो 16,000 यहां पर निवेश हुआ था और 4,000 ये निवेश हुआ, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जानी है, 16,000 प्लस 4,000, तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, 20,000। क्लियर? ठीक है, ये इसका क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था। ट्रेडिशनल मेथड में हमें समय लगता है, हम क्या करें, हम लॉजिक सोचें कि लॉजिक क्या बनता है। ठीक है, समझ में आई थी बात? अब इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूं कि लॉजिक क्या है। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट था हमारा 8% पर और हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट था 18% पर, जो हमको मिला लेकिन वो कितना था हमारा, 10%। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, आप किसी एक वैल्यू पर अगर दो वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो इनके जो डिफरेंस का रेशो बनेगा वो इन्वर्स रेशो होगा। इन्वर्स रेशो कैसा होगा कि जैसे यहां पे डिफरेंस देखा तो 2 बना, यहां डिफरेंस देखा तो 8 बना, तो ये 2 1 2 2 4 8, क्या रेशो बना, 1:4 का। तो जब इनके डिफरेंस का रेशो 1:4 है तो ये जो अमाउंट होंगे ये किस रेशो में रहे होंगे, 4:1 के रेशो में रहे होंगे। क्लियर? और आपको जो 8% वाला अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, 16,000 दिया हुआ है, मतलब आपको 4 रेशो की वैल्यू कितनी पता है, 16,000। अगर 4 रेशो की वैल्यू 16,000 है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 4,000। उसने पूछा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए इनका टोटल कर लीजिए, तो 16,000 और 4,000 क्या आंसर आ जाएगा आपका, 20,000। क्लियर? बस इतना करना है, आप खुद समझते होंगे कि ये जो आपका लॉजिकल पार्ट होता है वो थोड़ा सा
आसान होता है, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। इसको अगर अपन एलोबरेट करें, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये हुआ क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एलिगेशन यूज करते हैं, ठीक है। एलिगेशन में क्या होता है कि जब भी, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है, क्लियर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट कितने परसेंट पर है, 8% पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट कितने परसेंट पर है, 18% पर, इन्हें लेकिन मैनेज कितने पर कर रहे हैं हम, 10% पर, क्लियर। अब अगर मैं इनका डिफरेंस देख लूं, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखूं, तो यहां पर 8 और 10 का डिफरेंस कितना गया, 2। अपन क्या करते हैं एलिगेशन लगाते टाइम क्रॉस डिफरेंस निकाल के रखते हैं, 8 और 10 का डिफरेंस गया 2, और 18 और 10 का डिफरेंस आया 8। जब हमने इनका रेशियो बनाया तो क्या रेशियो मिला अपने को, 4:1, वहां पर भी हमें क्या रेशियो मिला था, 4:1, ठीक है। तो इतना सब लिखने के बदले में आप क्या करिए, आप यहीं पर सोच सकते हैं, आप क्या सोचिए कि मैनेज कितने पर हो रहा है, 10% पर, तो 8 और 10 का डिफरेंस कितना है, 2, और 18 और 10 का डिफरेंस कितना है, 8। इनको इन्वर्स कर लीजिए तो ये क्या रेशियो में आ जाएगा, 8:2, मतलब 4:1, ठीक है। आपको कौन सा दिया है, कभी आपको एग्जाम में ये वाला दे सकता है, ठीक है, 18% वाला देकर आपसे ये वाला पूछ सकता है, कभी ये वाला देकर आपसे 18% पूछ सकता है, और कभी टोटल पूछ सकता है, क्लियर। तो अगर आपको 4 दिया हुआ है तो 4 की वैल्यू 16,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000 आ गई, और टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, 20,000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है 12,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर उधार दी गई, 4 महीने के बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़े गए। देखिए 12,000 रुपये की राशि 4 महीने तक तो ऐसी ही लगी रही, ठीक है, 4 महीने बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़ दिए, तो कितने रुपए बन गए आपका इन्वेस्टमेंट, 18,000 रुपये, क्लियर। और मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दुगना कर दिया गया, मतलब जो आपकी यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसका डबल यहां हो गया, है ना। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपये प्राप्त भुगतान किया गया, तो प्रारंभ में लगाई गई राशि की गणना कीजिए, ठीक है। इसको भी अपन ट्रेडिशनली समझते हैं। ट्रेडिशनली अगर देखें तो हमारे पास रेट तो है नहीं, तो हम देख लेते हैं कि ये जो 12,000 रुपये की धनराशि थी ये आर परसेंट पर कितने समय के लिए लगाई गई थी, 4 महीने के लिए, है ना, 4 महीने के लिए। तो 4 महीने है, वर्ष पे बदलना है तो डिवाइड किससे कर लूंगा, 12 से, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, 12,000 रुपये का आर परसेंट से 4 महीने का ब्याज बन गया, क्या। फिर हम दूसरा देखें तो अब हमने क्या किया, इस 12,000 में कितने रुपए और जोड़ दिए, 6,000 रुपये और जोड़ दिए। तो 12,000 में जब हम 6,000 रुपये और जोड़े तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना बन गया, 18,000 बन गया। तो 18,000 रुपये पर दर क्या करना है, पिछली दर के मुकाबले दुगनी, दुगनी मतलब 2R हो गई, ठीक है। और ये जो आपका इन्वेस्टमेंट रहा ये साल के अंत में आपको मिला है, मतलब अगर ये 4 महीने के लिए था तो ये कितने महीने के लिए रहा होगा, 8 महीने के लिए रहा होगा। आई बात समझ में। अब यहां पर मिलने वाला ब्याज और यहां पर मिलने वाला ब्याज, इन दोनों की टोटल उसने हमें कितनी बता रखी है, 2,800 रुपये, क्लियर। तो हमें क्या पता करना है, ब्याज की दर पता करना है। अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो देखें यहां 2 0 से 2 0 कैंसल, 12 1 12, ठीक है, और क्या बचा अपना, 4 धाम 40 आर, ठीक। प्लस यहां हमने देखा तो यहां पे क्या आएगा हमारा, 12, है ना। यहां पर हमने देखा तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 12 से 180 काटे, 12 1 12, 12 5 60, 15 2 30, 30 8 240, ये कितना आया, 240 आर, ठीक है। और इन दोनों की टोटल कितनी है हमारे पास, 2,800 है। अब 40 आर और 240 आर को जोड़ता हूं तो कितना जाएगा, 280
आर बराबर ये कितना है हमारा 2800। क्लियर, कैलकुलेट किया तो जीरो से जीरो काटा, 28 से कम 28, तो अपनी आर कितनी आ गई 10% आ गई। तो यहां पर अपना आंसर कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। आई बात समझ में? अब इसी को, इसी सवाल को अगर मैं थॉट प्रोसेस से, मतलब बिना ज्यादा कैलकुलेशन के सॉल्व करना चाहूं, तो इसी को कैसे करूंगा? तो यहां सिंपल सा एक लॉजिक समझिएगा कि मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास 4 महीने का इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले इसे मैं कितने के इन्वेस्टमेंट पर लेकर आऊंगा, पूरे साल के पे। तो अब ये देखा हमने कि जो 4 महीने है, ये एक साल का कितना है, 1/3 है, 1/3 है। तो अगर 12,000 रुपए पर जितना ब्याज 4 महीने के लिए मिलता है, ठीक है, उतना ही ब्याज अगर मैं एक साल में प्राप्त करना चाहूं, तो मुझे इन्वेस्टमेंट को क्या करना होगा? देखिए, यहां टाइम 1/3 हुआ है, तो अगर ईयर पे टाइम को चेंज करूंगा तो मैं ये अमाउंट को क्या कर दूंगा, 1/3 कर दूंगा। तो 12,000 को मैंने 1/3 किया तो क्या आया, 4,000। क्लियर, मतलब 4 महीने में 12,000 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा, वही ब्याज 4,000 रुपए पर 12 महीने में मिलेगा। आई बात समझ में? यहां पर भी क्या होता है, कंपैरिजन पलट जाता है, ठीक है। अब फिर हम दूसरे पर देखें, तो यहां पर देखा अपना, तो 6,000 + 12,000 कितना हो गया, 18,000। 18,000 भी डबल रेट पर दिया है, तो 18,000 ही कितना हो गया, 36,000। अगर मैं उसको भी आर परसेंट पर, रेट 2R हुई है, उसे मैं आर परसेंट पर ही लाना चाहूं, तो मुझे अपना जो प्रिंसिपल है 18,000, उसको क्या करना पड़ जाएगा, डबल करना पड़ेगा। तो 18,000 का डबल कितना हो गया, 36,000। इस 36,000 का मैं क्या करूंगा, तो देखिए दूसरा जो है वो 8/12 टाइम है, 8/12 है, मतलब क्या टाइम है, 2/3 टाइम है। तो मैं 36,000 का भी क्या कर दूंगा, 2/3 कर दूंगा। 36 में किससे भाग दूंगा, 3 से, तो 12 आएगा, और 12 में 2 से गुणा करा तो 24 आ जाएगा। तो दूसरा अमाउंट मेरा एक साल के लिए कितने वो रहेगा, 24,000 रहेगा, और ये टोटल अमाउंट मेरा कितना बन जाएगा एक साल के लिए, 28,000। क्लियर, और 28,000 पर कितना ब्याज मिला है, 2800। तो 28,000 का 2800 कितना परसेंट है, 10% है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्लियर, क्या करना है हमें, दर हमारी अगर 2R है, तो R पर चेंज करने के लिए हमें प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, डबल कर देना पड़ेगा। देखिए इसको मैं आपको एक उससे समझाता हूं, ये थॉट प्रोसेस थी, इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझिएगा। अपना जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर टाइम जो होता है ये कायम में होता है वर्ष में, कभी टाइम अपने को मंथ में दिया हो, तो अगर मंथ में टाइम है तो उसमें किससे भाग देना होता है हमें, 12 से भाग देना होता है। तो अगर हम ये देखें कि हमारी इधर आर परसेंट है, ठीक है, आर परसेंट है, अब ये जो प्रिंसिपल है, अगर इसमें महीने का ब्याज चाहिए 3 महीने का, तो प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, 3/12। 4 महीने का चाहिए तो क्या कर देंगे, 4/12। 4 महीने का है ना हमारा, तो 4/12 करे, 4/12 करे, तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का 1/3 और कितना परसेंट, आर परसेंट, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बाय 3 इसका आर परसेंट, है ना। दूसरा जो था वो अपना प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन, अच्छा यहां 2R थी, यहां 8 महीने था, 8 महीने था मतलब 2/3 था। क्लियर, तो अब यहां पर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, 2/3 ऑफ किसका, 2P का, 2/3 का R परसेंट, ऐसा भी लिख सकता हूं। ये वाले 2 का गुणा किस में कर लिया, P में कर लिया, तो ये क्या हो गया, 2P हो गया। तो मैंने भी क्या करा, यहां 12,000 और 6,000 कितना बना था, 18,000, 18,000 का अपन ने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो वो कितना हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 36,000, इसका कितना, 2/3, 36,000 का 2/3 कितना बना, 24,000। यहां पर P कितना था अपना, 12,000, 3,000 से भाग दिया तो 4,000।
4000 का आर परसेंट प्लस 12 दुना 24000 का आर परसेंट, ये मिला। तो अपन ने क्या किया, 24000 और 4000 जोड़ दिया, तो ये पूरे 28000 का कितना हो गया, आर परसेंट हो गया। और 28000 का आर परसेंट कितना दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है। यहां 20 से 20 कैंसिल, 280 से 2800 को काटा, कितनी बार में कट गया, 10 बार में। तो अपना आंसर क्या आ गया, 10%। ठीक है, और यही चीज हमने कायम में करनी है, थॉट प्रोसेस से करनी है। क्लियर, वन थर्ड टाइम था तो इसका वन थर्ड कर दिया, यहां पर 2R दर हो रही थी तो हमने प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया, टाइम 8 महीने था तो उस डबल प्रिंसिपल का हमने 2/3 निकाल लिया, तो ये अपना 1 साल का क्या बन गया, टोटल प्रिंसिपल बन गया। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं कि 10 वर्षों बाद किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 600 रुपये होगा, यदि मूलधन को 5 वर्ष के बाद 3 बार बढ़ाया जाए। ध्यान रखिएगा, 3 बार बढ़ाना मतलब क्या करना है, थ्राइस कर देना है, कब, 5 साल के बाद। तो 10 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या होगा, अब समझिएगा, अपने को कहा गया है कि टोटल 10 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 600 रुपये है। साधारण ब्याज की खासियत आप ध्यान रखिएगा कि साधारण ब्याज हर साल एक जैसा मिलता है, ठीक है। तो अगर 10 साल में 600 रुपये मिला है तो अपन 5 साल पे बांटें तो पहले 5 साल में 300 मिला होगा और दूसरे 5 साल में भी 300 मिला होगा, ठीक है। अब पहले 5 साल तक तो जो प्रिंसिपल था हमने वही रखा, ठीक है, लेकिन अगले 5 साल के लिए हमने प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल 3 गुना होगा तो साधारण ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो पहले 5 साल तक तो 300 ही ब्याज मिला, लेकिन चूंकि अगले 5 साल के लिए प्रिंसिपल 3 गुना हो गया था तो हमारा मूलधन भी 3 गुना हो गया, तो कितना हो गया, 900 हो गया, है ना, ब्याज भी 3 गुना हो गया, 900 हो गया, तो टोटल ब्याज कितना बना अपना, 300 और 900 1200। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 1200। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी ना, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी मेहनत को ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू।